नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से सटे लच्छीपुर रेड लाइट एरिया में बुधवार की रात्रि पुलिस और बाल विभाग और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक स्तर पर छापेमारी की गई थी, जहां से दर्जनों युवतियों और कुछ पुरुषों को गिरफ्तार किया गया था। इसी को लेकर आज गुरुवार को पुलिस आयुक्त ने अपनी टीम के साथ लच्छीपुर रेड लाइट एरिया का जायजा लिया। इस दौरान पूरे क्षेत्र का भ्रमण करते हुए पुलिस आयुक्त ने यौन कर्मियों से यहाँ के सिस्टम की पूरी जानकारी हासिल की। पुलिस आयुक्त ने पूछा कि यहाँ का सिस्टम क्या है, यहाँ पे आने वाली यौन कर्मियों का उम्र का पता कैसे लगाया जाता है, उसकी पहचान कैसे होती है, इसकी एंट्री या इसका खाता मेंटेनेंस कौन करता है, इसका संचालन कैसे होता है, साथ ही दिशा जन कल्याण केंद्र के बाहर जो साइकिल स्टैंड है उसका संचालन किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पे होने वाली आय का वितरण या कैसे होता है, या यहाँ के पैसे कहाँ जाते हैं, इन सारे मुद्दों पे पुलिस आयुक्त ने विस्तृत जानकारी हासिल की और दिशा जन कल्याण केंद्र के अंदर जो यौन कर्मी हैं और जो दुकानदारें हैं उन लोगों को सख्त निर्देश दिया कि कोरोना काल चल रहा है और राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का सख्ती से पालन किया जाए, इसके उल्लंघन करने वालों को सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कुल्टी क्षेत्र में 3 रेड लाइट एरिया हैं, लच्छीपुर, चपका और विश्वकर्मा नगर मुजरापाड़ा। यहाँ पे लगभग हजारों युवतियाँ यौन कर्मी का कार्य करती हैं। इतने व्यापक स्तर पर फैला ये रेड लाइट एरिया काफ़ी संदिग्ध इलाका माना जाता है, साथ ही अन्य राज्यों के बड़े अपराधियों का ये शरणस्थली भी कहा जाता है। कई बार खबरें आती रही है कि नाबालिग युवतियों को जबरन यहाँ पे अन्य राज्यों से लाकर यौन कर्मी का कार्य कराया जाता है। कुछ बांग्लादेश से भी महिलाएं यहाँ पे आती हैं, साथ ही आपराधिक घटनाएं भी कई बार देखी गई है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस आयुक्त अजय कुमार ठाकुर का ये कदम सराहनीय माना जाएगा। उनके इस कदम से यहाँ पे पनप रहे अपराधी या अपराध पे अंकुश लगेगा, साथ ही जो लड़कियाँ बहला फुसला कर यहाँ पर लाई जाती थी उनकी जिंदगी भी बचाई जा सकेगी। आज सर फिर से रेड किया सर, क्या मिला सर? आज मिला कुछ नहीं, हम तो आए थे जस्ट यहाँ पे देखने के लिए, बात करने के लिए। अरे साइड गेट तो सर कल का सर कुछ भी नहीं है, कल का केस हुआ है, केस में लोग फॉरवर्ड हुए।